हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। हमारे साथ में दिल्ली से तीन दोस्त आए हैं, प्रवीण और प्रकाश जो एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं, और आनंद करते हैं अपना एमटीएस एसएससी इस तरीके का सिविल जॉब का तैयारी करते हैं। तो ये देखिए, डिक्लेरेशन फॉर्म इन लोगों का है, ये फिल करवाया है, आप देख सकते हैं पूरा जो आप लोगों से सेम डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे वहाँ पर भी फिल करवाया जाएगा। ठीक है सर। तो आपने क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, कोई किसी तरह का कोई कमी है नहीं आपका, सब ठीक फिल किया है, कमी रहता है वो भी आपको बताते हैं। तो प्रवीण, आप बताइए सबसे पहले कि आपको कितना स्कोर बन रहा है दिल्ली? 153 बन रहा है स्कोर। 153 बन रहा है। कितना मार्क्स का आपका इजाफा हुआ? सर 6 नॉर्मलाइजेशन। 6 बढ़ा। हाँ जी सर। तो पहले आपका बन रहा था 147। हाँ जी सर। और 6 बढ़ गया। 6 नंबर नॉर्मल। 6 बढ़ गया। 153 पे हम समझ सकते हैं कि दिल्ली से कहीं रुकने वाले नहीं है। कैटेगरी क्या है आपका? एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी है, यानी मेरिट पक्का है अपना। हाँ जी सर। लेकिन अभी तो सीना भी कम है। हाँ जी सर, वो तो बनाना पड़ेगा। सीना बनाना पड़ेगा, कि अभी तो 77 ही होता है और मशीन नापेगी तो हो सकता है 76 ही कर दे। तो अभी है अपने पास में समय, है कोशिश करना है। तो प्रवीण, ये बताओ कि आपने जो सोचा था कि मेडिकल कैसा होता है, क्या होता है, बहुत सारे डाउट्स थे आपके, वो आपके क्लियर हुए आपको? हाँ जी सर। कैसा आपको लगा वो बताइए सर। सर मेरे को तो अच्छा ही लगा वहाँ से आके, मतलब मैं सोच रहा था कि वहाँ जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, रेलवे स्टेशन के पास भी है, आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई सर, टोटली मिला के तो अच्छा ही लगा मुझे। पूरा चेकअप किया? हाँ जी सर। एक्सरे भी हुआ, ईसीजी, ब्लड, यूरिन कंप्लीट जाँचें हुई आपकी? यस सर। जो आपके मेडिकल से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपको डाउट लग रहा था, हर किसी को ये लगता है कि मेरा कोई पॉइंट होगा, आपको भी कुछ ऐसा लगता था कि मेरा पॉइंट होगा? हाँ सर, लगता तो था। वही पॉइंट बन गया? हाँ जी सर, वही बन गया। सेम पॉइंट बने हैं। सेम पॉइंट बने हैं, तो उसको हम समय है भी हमारे पास, इलाज लेंगे और बहुत अच्छा आपका स्कोर है, निश्चित रूप से फाइनल हो जाएगा। चलो आपके दोस्त हैं साथ में, बताइए आपके बारे में, बताइए स्कोर, बताइए कैटेगरी, बताइए, यहाँ से नज़दीक कर लो थोड़ा। सर मेरा नाम प्रकाश है और मेरा नंबर जो 130 नंबर आ रखा है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, 10 नंबर मिला था मेरे को। सर मेरे को किसी ने बताया था यहाँ के बारे में कि वहाँ जाओ, वहाँ पे पहले पता चल जाएगा जो भी पॉइंट होगा, जो भी दिक्कत होगी तो आपको फर्स्ट टाइम मिल जाएगा, कुछ भी मतलब कि दिक्कत आएगी तो उसको ठीक कराने के लिए। तो मैं आया यहाँ पे, तो फिर मेरे को तो शुरू में तो लग रहा था क्या पता 3,000 रुपये ले रहे हैं तो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि 3,000 रुपये एक छोटी सी अमाउंट है जो यहाँ पे पहले पता चल जाता है, नहीं तो वहाँ जाने के बाद फिर आपका टाइम नहीं मिल पाता है कैसे करें कैसे। फिर जो चेकअप हुआ उसके अनुसार 3,000 कोई ज़्यादा नहीं? ज़्यादा नहीं है सर, ज़्यादा नहीं, रीजनेबल फी है। जो चेकअप के बाद आपको ये एहसास हो, क्योंकि शुरू में पहले नहीं पता था, मैंने सोचा कि आप वहीं जाके सिरे खड़ा करके ऐसे चेक कर देंगे ऐसे, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं ये ठीक रीजनेबल प्राइस है। रीजनेबल है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका क्या कैटेगरी क्या है आपका? सर मेरा ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी, कितना कट ऑफ से कितना मार्क्स ज्यादा है? सर 118 पे कट ऑफ गई, 118 पॉइंट कुछ पे गई है, पर मेरा 130 नंबर, 130 आ रहा है। तो अभी तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, लेकिन अब ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ज्यादा बढ़ेगा। सर बॉर्डर पे हूँ, हो सकता है बॉर्डर पे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो एज है आपका, और नहीं तो ये नहीं तो नेक्स्ट टाइम कोई नहीं, एसएससी सीपीओ इसमें देख सकते हैं। सीपीओ भी है, सीपीओ का भी कर लो। तो फिजिकल आपने स्टार्ट कर दिया सीपीओ का? हाँ सर, फिजिकल मैंने पहले एक महीने पहले स्टार्ट कर दिया था, तो ठीक ठाक चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरे आपके दोस्त हैं जो जिनका हाइट नहीं होता, देखिए मैं बता देता हूँ कि हमारे कैंडिडेट जो हैं इनका एक्चुअली फोर्सेज के लिए, आपने भी दिया एग्जाम? दिया नहीं सर, लास्ट टाइम दिया था मैंने जीडी का एग्जाम, बट इस बार नहीं दिया। इस बार नहीं दिया क्योंकि लास्ट ईयर आप हाइट में बाहर हो गए। जी सर। जी पास हो गए थे, लेकिन फिजिकल में कट ऑफ गई थी उस समय सर, 104-105 कट ऑफ गई थी, 130 बनी थी मेरी, बट हाइट की वजह से। हाइट नहीं। जी सर। तो हाइट नहीं है, कोई बात नहीं, हाइट नहीं है तो हम 165 जिनमें हाइट है उनकी तैयारी कर सकते हैं। जी सर। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का कर सकते हैं। जी सर। तो मेडिकल में आपको पूरी संतुष्टि है? हाँ सर, पहले डाउट था कि मेडिकल में कि क्या पता कोई मतलब पॉइंट रह जाए, वहाँ पे जाए सिलेक्शन ना हो, लास्ट टाइम पे बाहर कर दें, या फिर लास्ट टाइम पे जो भी टाइम देते हैं वो 1-2 वीक का, उसमें वो मतलब कि कंप्लीट हो पाए ना हो पाए, इसलिए सर यहाँ पे आके सेटिस्फाई हैं कि हाँ मेडिकल कंप्लीट है, बाकी अपना रिटर्न की तैयारी करें, रिटर्न पे पूरा फोकस करें। तो ये आपने देखा कि प्रवीण बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश थोड़ा सा
बीच वाली स्थिति है, लेकिन प्रकाश साथ में सीपीयू एसआई की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट उनका सीपीयू एसआई का है। तो ये भी बता दो, आप लोग पढ़ते क्या, ऑनलाइन पढ़ते हो ऑफलाइन पढ़ते हो, वो बता। सेल्फ ही करते हो। तो ये एसएससी जीडी का कहाँ पढ़े आप? सर ऑनलाइन बुक से पढ़े हो? ऑनलाइन पढ़े। कोई पर्टिकुलर चैनल जिससे, कोई विशेष नहीं, ऐसा विशेष चैनल नहीं है कि अलग अलग जो भी मिल गया मैटर मटेरियल इकट्ठा उससे स्टडी किया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद।